नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया जॉब निकल कर आ रहा है झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से। जी हाँ, यहाँ पर देखिए ब्लॉक लेवल की वैकेंसियाँ हैं, साथ ही दोस्तों हम लोग देखेंगे झारखंड के अलग अलग विभाग से वैकेंसी निकल कर आया है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, आंगनबाड़ी में भर्ती निकला है, नगर परिषद में भर्ती निकला है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकला है, इंजीनियरिंग जॉब के लिए निकला है, और भी कई पोस्टों पर बहाली है दोस्तों। सारे पोस्ट के लिए हम लोग दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक नोटिफिकेशन आपको जो है दिखाया जाएगा दोस्तों। जी हाँ, ब्लॉक लेवल की भी वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ सारे जो है वैकेंसियों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आप लोग बने रहें। हमारे चैनल में न्यू है तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर दोस्तों आप लोग को जो है नोटिफिकेशन आपको इसका जो है सारा मिल जाएगा। जैसे कि आंगनबाड़ी का जो है नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, नगर परिषद का भी टेलीग्राम पर मिलेगा, और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉक लेवल की जो वैकेंसियाँ हैं सारा जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सो एक एक करके हम लोग इसका नोटिफिकेशन देखेंगे और बता दिया जाएगा सो कैसे फॉर्म को भरना है, ये भी अप्लाई प्रोसेस आपको जो है बता दिया जाएगा वीडियो में। तो चलिए सो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो देखिए सो, यह जो है नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पर बाल विकास परियोजना कार्यालय पोड़ैया हाट से देखिए यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आया आंगनबाड़ी केंद्र में। जी हाँ सो, कई सारे आंगनबाड़ी केंद्रों में देखिए वैकेंसी निकल कर आया है, और ये जो दोस्तों बोलो आंगनबाड़ी केंद्र में जो वैकेंसी निकला है सो, क्या क्या पोस्ट पर यहाँ पर देखिए निकल कर आया है। देखिए, सूचित किया जाता है कि बाल विकास परियोजना कार्यालय पोड़ैया हाट से संबंधित महिला पर्यवेक्षिका द्वारा जो है प्रतिवेदित विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका तथा सहायिका के पद पर जो है आम सभा के माध्यम से देखिए यहाँ पर निर्धारित तिथि समय से आप लोग का जो है यहाँ पर चयन होना है। ठीक है, तो देखिए सो, यहाँ पर आम सभा के माध्यम से जो आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा आंगनबाड़ी केंद्र में। तो देखिए बात करें सो, कौन कौन से आंगनबाड़ी केंद्र में देखिए भर्ती निकल कर आया है, जो कि दोस्तों पोड़ैया जिले के अंतर्गत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पोड़ैया यहाँ पर देख सकते हैं, देख पोड़ैया हाट के अंतर्गत है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए सो, यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों झारखंड गवर्नमेंट वैकेंसी आप लोग जानते ही हैं, और देखिए यहाँ पर जो पंचायत का नाम दिया हुआ है आषाढ़ी माधुरी, देखिए जो कि आषाढ़ी हरिजन टोला केंद्र का नाम है, और पद का नाम देखिए यहाँ पर सेविका के लिए खाली, जो कि देखिए 22 यहाँ पर देखिए 22 जनवरी को यहाँ पर आप लोग आम सभा होने वाला है आंगनबाड़ी केंद्र में। ठीक है, जो कि दोस्तों जाति यहाँ पर देखिए SC के लिए है, और देखिए 11 बजे जो आप लोग का यहाँ पर होने वाला है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट के लिए, देखिए देव बंधा के लिए देखिए जो कि गुम्मा संथाली केंद्र का नाम है, सहायिका पोस्ट के लिए यहाँ पर है 27 तारीख को, देखिए यहाँ पर तिथि है, आंगनबाड़ी केंद्र में होगा आप लोगों का। ST के लिए सवा देखिए यहाँ पर जो है 11 बजे होने वाला है। देखिए यहाँ पर देखिए लिलदाहा आंगन यहाँ पर केंद्र का नाम है, सहायिका पोस्ट के लिए है, देखिए 27 तारीख को यहाँ पर आप लोग का आम सभा होगा आंगनबाड़ी केंद्र में। मुस्लिम जाति के लिए यहाँ पर खाली है, देखिए 2 बजे यहाँ पर आप लोग का आम सभा होने वाला है। उसी तरह दोस्तों देखिए लाठीबाड़ी में देखिए रघुनाथपुर केंद्र का नाम है आंगनबाड़ी केंद्र का, और सेविका देखिए सेविका के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, और देखिए 2 तारीख को आप लोग का यहाँ पर होने वाला है, 2 फरवरी को आंगनबाड़ी केंद्र में ही। ST के लिए यहाँ पर खाली है, 11 बजे देखिए आप लोग का सभा होने वाला है। उसी तरह यहाँ पर हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखिए और भी सारे हैं, देखिए जैसे कि बांझी है, लाठीबाड़ी है, बागमारा है, देखिए सो बागमारा है, फिर देखिए लता दी कवानी है, देवबंधा है, आषाढ़ी माधुरी है। तो देखिए इस तरह करके सो यहाँ पर सेविका और सहायिका पोस्ट पर ये पर बहाली निकला है, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसका, देखिए बांझी के लिए 9 तारीख को होगा, बागमारा के लिए देखिए 12 तारीख को होगा, बागमारा पश्चिमी आंगनबाड़ी केंद्र देखिए 17 तारीख को होगा, बाग देखिए बड़गांव में देखिए यहाँ पर 26 तारीख को आप लोग का आम सभा होगा, और धोबिया में देखिए 2 मार्च को देखिए चल रहा है, और देखिए भलुआ में देखिए 5 मार्च को होगा। तो इस तरह करके सो आप लोग यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र में ही आप लोग का आम सभा होने वाला है, और ये आम सभा के माध्यम से जो आप लोग का सिलेक्शन एज क्वालिफिकेशन और तो सब लोग यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो देखिए सिर्फ साक्षर दोस्तों आप है तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी महिलाएं हैं साक्षर अगर यदि हैं तो देखिए इन सभी पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, एज क्वालिफिकेशन यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है दोस्तों। तो जरूर से जरूर दोस्तों आप लोग जो है आंगनबाड़ी में हिस्सा ले सकते हैं, जितने भी इस यहाँ पर देखिए इसके अंतर्गत जितने भी आते हैं। देखिए सो, यहाँ पर जो आप लोगों का नेक्स्ट वैकेंसी है, नगर परिषद द्वारा यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आया है, जो कि देखिए कार्यालय झुमरी तिलैया नगर परिषद से वैकेंसी है, और यहाँ पर देख सकते हैं सो आप लोगों का जो पोस्ट है, हम लोग देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए पोस्ट पर बहाली है, झुमरी तिलैया देखिए नगर परिषद कार्यालय झारखंड म्यूनसिपल अकाउंटेंट अकाउंट्स मैनुअल के आधार पर देखिए डबल एंट्री अकाउंटेंट से संबंधित जो है यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर का जो है ऑफलाइन ऑनलाइन परिवेश है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सो कुल जो है यहाँ पर बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए वैकेंसी जो निकाला है
देखिए यहाँ पर मानदेय आप लोगों का जो है तो संस्था के श्रम नियोजन एवं कल्याण विभाग द्वारा जो है सरकार द्वारा जो है संबंधित श्रेणी अर्ध कुशल कुशल अति कुशल इत्यादि हेतु निर्धारित दरों के आधार पर जो है मानदेय आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, अर्हता यहाँ पर आप लोगों को क्या है, सो कौन जो है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएट जो किए हैं सो वाणिज्य से वो अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम को यहाँ पर देखिए प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, मान्यता प्राप्त संस्थान से देखिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किए हुए हैं अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी एवं इंग्लिश में टाइपिंग की पूर्ण जानकारी होना चाहिए। हिंदी एवं देखिए हिंदी के लिए 30 एवं इंग्लिश के लिए देखिए यहाँ पर 35 शब्द जो है प्रति मिनट टाइपिंग की गति आप लोग पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर टेली ERP 9 MS ऑफिस एडवांस एक्सेल से संबंधित दक्षता एवं कार्य अनुभव से संबंधित यहाँ पर जो है प्रमाण पत्र की आप लोग को आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों इस फॉर्म के लिए अब अप्लाई कैसे करेंगे, तो चलिए दोस्तों अप्लाई प्रोसेस हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए आप लोग का जो उम्र सीमा देखिए 1835 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए साक्षर हेतु दूरभाषा द्वारा जो है सूचित किया जाएगा, यानी फ़ोन के द्वारा जो आप लोग को बता दिया जाएगा साक्षर आप लोग का जो है कब होगा। अतः मोबाइल नंबर अंकित करना अनिवार्य होगा। ठीक है, मोबाइल नंबर आप दे दीजिएगा। चयन प्रक्रिया साक्षर के माध्यम से होगा और या तो फिर कंप्यूटर टेस्ट का जो है यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, लिफाफा के ऊपर देखिए बड़े अक्षरों में आवेदित पद का नाम आप लोग को लिखना है, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर लिख देना है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19 जनवरी तक है, तो जो दोस्तों आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय अवधि में देखिए प्रशासक झुमरी तलैया नगर परिषद से जो है आप लोग जो है जमा कर सकते हैं, नगर परिषद के नाम से जो है जमा कर सकते हैं। ठीक है, विलंब आवेदन पर जो है विचार नहीं किया जाएगा। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को कैसे प्राप्त करना है, तो देखिए आइए एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात कर लेंगे। देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं देखिए कार्य जो है संतोषजनक नहीं पाने पर जो है पद जो है आप लोगों को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, स्वलिखित देखिए ध्यान रखिएगा, स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र के साथ जो है हाल में खींचा हुआ पासपोर्ट साइज का जो है स्व अभिप्रमाणित फोटो तथा सभी प्रमाण पत्र यथा आधार तकनीक प्रमाण पत्र शैक्षणिक प्रमाण पत्र छाया प्रति स्व अभिप्रमाणित करते हुए संलग्न करना जो है आप लोगों का अनिवार्य होगा। मतलब दोस्तों आप लोगों को कहीं फॉर्म लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है स्वलिखित आप लोगों को खुद से लिखना, नाम अपना रिज्यूम टाइप का एक बना देना है, उसमें जो अपना सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जो है लगा देना है। इस तरह से दोस्तों आप लोग जो है फॉर्म को जमा कर सकते हैं बिना कोई चार्ज के। जी हाँ, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लग रहा है। तो ये प्रशासक झुमरी तलैया नगर परिषद के नाम से जो आप लोगों को यहाँ पर स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक है, या तो फिर दोस्तों आप लोग जा करके हैंड टू हैंड भी दे सकते हैं। दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पर आपको बोला है कि आवेदन जमा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 19 तारीख तक है, तो जो है कार्यालय विधि में तो ध्यान रखिए आप हैंड टू हैंड दे देंगे तो अच्छा रहे। तो दोस्तों देखिए आप लोगों का नेक्स्ट वैकेंसी है समराहालय सिमडेगा से। देखिए जिला समाज कल्याण शाखा की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आया है, जो कि बाल संप्रेक्षण यहाँ पर देखिए बाल संप्रेक्षण गृह अधीन यहाँ पर देखिए पद सृजित किया गया है। तो देखिए दोस्तों आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पोस्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर पोस्ट है परामर्शी के लिए और पारा चिकित्सा कर्मी के लिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है स्नातकोत्तर डिग्री यानी समाज विज्ञान मनोविज्ञान में आपके पास है स्नातकोत्तर डिग्री यानी पीजी डिग्री आपके पास है समाज विज्ञान और मनोविज्ञान में, तो अप्लाई कर सकते हैं परामर्शी के लिए। पारा चिकित्सा कर्मी के लिए देख सकते हो इंटर पास है, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पारा चिकित्सा कर्मी जो कि पारा चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम डिप्लोमा जो किए हुए हैं दोस्तों इस वैकेंसी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं पारा चिकित्सा कर्मी वाले। तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है दोस्तों, आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। जो कि दोस्तों अप्लाई कैसे करेंगे इस वैकेंसी के लिए, आइए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसका जो है ये रहा। देखिए आप लोग का फॉर्म बिल्कुल आप लोग को ऑफलाइन फॉर्म भरना है, ध्यान रखिएगा सो। और देखिए आप लोग का जो फॉर्म आप लोग को जो है जमा करने की तिथि क्या रहेगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा सो। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सर डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले देखिए आवेदन की जो प्रक्रिया होगा, इच्छुक उम्मीदवार जितने भी है संलग्न विहित आवेदन प्रपत्र सात निम्नांकित देखिए शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र दो पासपोर्ट साइज फोटो सौ भी प्रमाणित जिला बाल संरक्षण इकाई सिमडेगा के कार्यालय में देखिए 17/11/2021 को संध्या 5 बजे तक देखिए आप लोग को जो है समर्पित करना है। एड्रेस आप लोग को पता चल गया सो। देखिए आप लोग का जो है जिला बाल संरक्षण इकाई सिमडेगा के कार्यालय में जो है 17 तारीख तक देखिए लास्ट डेट है अप्लाई करने का। यहाँ पर देना है डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, इंटर का अंक प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक प्रमाण पत्र, पीजी का देखिए अंक प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अतिरिक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा प्रमाण पत्र, कोई एक है तो अब दे सकते हैं। अंतिम देखिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 27 तारीख दिया हुआ दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा शाम 5 बजे तक।
यहाँ पर देखिए 17 तारीख को गलती से लिख दिया है, 27 तारीख तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 27 तारीख तक जो है इसका लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का। सूचना देखिए आप लोग 17 तारीख तक देखिए तो आप लोग मतलब भेजने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा रहेगा। सूचना प्रकाशन के देखिए 2 तारीख को, 2 फरवरी को दे दिया जाएगा सूची प्रकाशन, यहाँ ध्यान रखिए। मेरिट लिस्ट आपत्ति दर्ज करने के देखिए 5 तारीख को दिया हुआ है, आपत्ति निराकरण एवं पुनः अंतिम सूची प्रकाशन दर्ज करने देखिए 8 तारीख को दिया हुआ है, कंप्यूटर दक्षता की परीक्षा देखिए 10 फरवरी को है, मेघा सूची देखिए प्रकाशन यहाँ पर आप लोग का 11 तारीख को है। आप लोग को जो है मतलब बहुत ही फटाफट जो आप लोग का काम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह करके दोस्तों आप लोग इस वैकेंसी के लिए जॉब ले सकते हैं। चलिए सो नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में डिटेल में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों देखिए यह जो है अलग से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जो 17 तारीख को वर्णित हो गया था, जी नहीं वो मतलब 17 तारीख नहीं 27 तारीख को है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, 27 तारीख इसका लास्ट डेट है। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आप लोग का जो निकल कर आ रहा है देख सकते हैं, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, ठीक है, झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है। सो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है दोस्तों इस वैकेंसी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सो समाकृति बाल संरक्षण योजना ICPS के अंतर्गत जो है जिला स्तर पर यहाँ पर जो आप लोग को सिमडेगा जिला में जो है नियुक्ति के लिए पदवार यहाँ पर रिक्त यहाँ पर सूची दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, सिमडेगा जिला के अंतर्गत निकाला गया है यह वैकेंसी, देखिए बहुत ही बढ़िया। दोस्तों सिमडेगा जिला के अंतर्गत जो है 3 वैकेंसी है, अभी ये दूसरा वैकेंसी है, और एक वैकेंसी है वो भी हम आपको दिखाएंगे। सो यहाँ पर देखिए जो वैकेंसी है दोस्तों देखिए जिला बाल संरक्षण निकाय DCPU के अंतर्गत है, यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक कार्यकर्ता यानी सोशल वर्कर के लिए वैकेंसी निकाला गया है, 30 से 45 वर्ष वाले अप्लाई कर सकते हैं, 14,000 रुपये देखिए सैलरी है, सामाजिक कार्य जो किए हुए अप्लाई कर सकते हैं, मनोविज्ञान जिसके पास डिग्री अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं, किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से MBA किए हैं, PGDBM किए हैं, PGDBM PGDRD की अतिरिक्त मान्यता है तो दोस्तों आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कोई भी एक डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कार्य अनुभव की जो बोला है, देखिए बाल विकास एवं काउंसलिंग में कम से कम देखिए 2 वर्ष का यहाँ पर कार्य अनुभव भी बोला है, तो ये होना आप लोग पास जरूरी है। यहाँ बात करें देखिए किशोर न्याय बोर्ड यानी JJB दोस्तों यहाँ पर डाटा एंट्री सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है, जो कि देखिए 30 से 45 वर्ष वाले अप्लाई कर सकते हैं, 9,000 रुपये आप लोग को पर मंथ दिया जा रहा है। किसी देखिए संकाय में स्नातक डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर दक्षता में हिंदी तथा अंग्रेजी टंकन वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी जो है 30 वर्ड पर मिनट यहाँ रखा गया, अंग्रेजी में देखिए 35 वर्ड पर मिनट है, ठीक है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से देखिए BCA MCA अतिरिक्त मान्यता होगी तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कार्य अनुभव क्या बोला, देखिए सरकारी संस्थान लोक उपक्रम मान्यता प्राप्त संस्थान से देखिए न्यूनतम 3 वर्ष का जो है कंप्यूटर कार्य है, देखिए कार्य या प्रत्येक कार्यालय कार्य का जो है अनुभव कोई है, एक है दोस्तों तो अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है आप लोग सभी के लिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, सो बिल्कुल ऑफलाइन रहेगा, आवेदन जो है प्राप्त करने की अंतिम तिथि देखिए 27 तारीख तक है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोग करना है, जिला बाल संरक्षण कार्यालय सूचना जनसंपर्क कार्यालय सिमडेगा में दोस्तों आप लोग को जमा करना है, पिन नंबर दिया हुआ है इस पिन नंबर में देखिए आप लोग को जो है भेज देना है, ठीक है। किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लग रहा है फॉर्म भरने के लिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ध्यान रखिए नियम एवं शर्त एवं क्या रखा गया, उम्र सीमा जो रखा गया था कि 1/8/2021 के अनुसार जो आप लोग का उम्र की काउंटिंग किया जा रहा है, तो दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा देखिए आप लोग का वैकेंसी फॉर्म, ठीक है, जो कि दोस्तों आप लोग को जो है मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर दोस्तों टेलीग्राम पर जो नहीं मिलेगा यहाँ पर टेलीग्राम पर जो है आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों देखिए नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ सिमडेगा से जो निकला है, देखिए जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से वैकेंसी यानी दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी निकला है, जो कि दोस्तों यह वैकेंसी जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल स्पीड पोस्ट निबंधित डाक के माध्यम से हाथों हाथ जो कि जमा कर देना। देखिए सिविल सर्जन कार्यालय सिमडेगा में 22 तारीख तक देखिए इस वैकेंसी को आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग पोस्टों पर यहाँ पर बहाली है, तो आप लोग जो है आराम से इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और देखिए उसमें देख सकते हैं फार्मासिस्ट के लिए, रेडियोग्राफर के लिए, न्यूट्रन काउंसलर के लिए पोस्ट पर बहाली है, और भी दोस्तों पर देखिए आयुष फार्मासिस्ट के लिए, ब्लॉक डेटा मैनेजर के लिए है, देखिए ARSH काउंसलर के लिए वैकेंसी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोग का दोस्तों यहाँ पर फी लग रहा है इस वैकेंसी को भरने के लिए 400 रुपये लगे, देखिए जनरल के लिए लग रहा है, OBC के लिए 200 रुपये, अदर कास्ट के लिए यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। जो बैंक ड्राफ्ट बनेगा दोस्तों डिस्ट्रिक्ट रूरल हेल्थ सोसाइटी सिमडेगा के नाम से जो आप लोग को बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, इसी के नाम से दोस्तों आप लोग को बैंक ड्राफ्ट बना करके जो है लिफाफे में भर के दोस्तों सारा डॉक्यूमेंट्स लगा करके जो एक साथ लगा करके जो हम बता चुके हैं जहां पर भेजना है भेज देना है, जो कि हम डेट आप लोगों को बता चुके हैं उसका एड्रेस दोस्तों ध्यान रखिएगा। सो आप लोग को जो है देखिए ये आप लोगों का फॉर्म, इस फॉर्म को जो आप लोगों को भरना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करेंगे।
तो देखिए सर, नेक्स्ट वैकेंसी आप लोग का जो है निकल कर आया है। देखिए बोकारो जिला से वैकेंसी है, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। आप लोग जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं दोस्तों, जरूर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें। अपने जिले लेवल में वैकेंसी है तो दोस्तों आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी है सो, यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आया है। देखिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कार्यालय बोकारो की तरफ से वैकेंसी है, जो कि AMBF की नियुक्ति के लिए देखिए यहाँ पर निकाला गया है। ठीक है, एनीमिया मुक्त बोकारो के अंतर्गत कार्यक्रम अंतर्गत जो है संविदा पर देखिए पर एनीमिया मुक्त बोकारो फेलो AMBF की नियुक्ति यहाँ की जानी है। इच्छुक उम्मीदवार जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट देखिए 25 जनवरी तक जो है 4 बजे तक इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। जिला योजनालय देखिए जिला योजना शाखा समाहरणालय बोकारो में जो है आप लोग इस वैकेंसी को भेज सकते हैं। ठीक है, इसका ये आप लोग का एड्रेस रहा बोकारो में दोस्तों। इस ये रहा दोस्तों आप लोग का मतलब फॉर्म का डिटेल, के आप लोग का जो क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन आप लोग का क्या रखा गया है। देखिए मिनिमम जो है यहाँ पर ग्रेजुएट पास होना जरूरी है इन मेडिसिन में देखा है, एलाइड हेल्थ में भी, या देखिए न्यूट्रिशन में, या तो फिर डेवलपमेंट स्टडीज में, या देखिए सोशल वर्क में, किसी एक में दोस्तों है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिजेरेबल बोला है दोस्तों, यहाँ पर मतलब आपके पास फ्रेशर भी है तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिजेरेबल बोला है यानी दोस्तों इसको मतलब जरूरत है कि MBA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ मैनेजमेंट किया हुआ है, तो दोस्तों वो उसको मतलब यहाँ पर प्रिफरेबल किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सो यहीं इस वैकेंसी के लिए जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा आप लोग का फॉर्म दोस्तों, बिना कोई चार्ज का। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को कोई चार्ज नहीं लग रहा फॉर्म भरने के लिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 60,000 देखिए आप लोग का दिया जाएगा पर मंथ, यानी फर्स्ट ईयर, और देखिए सेकेंड उसके बाद जो दोस्तों आप लोग को 65,000 आप लोग को दिया जाएगा। ये रहा आप लोग का अप्लीकेशन फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को आप लोग को भर के जो है सेंड कर देना है, जो कि एड्रेस हम बता चुके हैं। देखिए सो आप लोग का जो वैकेंसी है देवघर जिला से वैकेंसी, और यहाँ पर दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी है। जो स्टूडेंट्स नहीं जान रहे हैं जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर देखिए सो यहाँ पर जो वैकेंसी निकला है, यहाँ पर टीचर पोस्ट के लिए बहाली है, और यहाँ पर देखिए शिक्षिका के लिए यहाँ पर निकला है गणित और विज्ञान, और देखिए भाषा यानी भाषा हिंदी और इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो इन पोस्टों पर बहाली है आप लोग का जो है, यहाँ पर जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं BEd वाले जो हैं, और इस रिलेटेड से देखिए गणित में जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं अप्लाई कर सकते हैं, या फिर विज्ञान से जो किए हैं, या तो फिर लैंग्वेज से जो किए हुए हैं। उसके साथ दोस्तों टेट की डिग्री आप लोग के पास होना जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एज लिमिट भी रखा गया है, देखिए मिनिमम जो है 21 साल रखा गया है, और मैक्सिमम देखिए 35 वर्ष रखा गया है। तो दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 35 वर्ष यानी जनरल के लिए 35 है, देखिए फीमेल के लिए जनरल OBC के लिए 38 है। यहाँ पर देख सकते हैं सो बैकवर्ड क्लास NS1 और 2 के लिए देखिए 37 वर्ष है ये मेल के लिए है, और यहाँ पर देखिए सो यहाँ पर SC ST कैंडिडेट के लिए देखिए 40 वर्ष है। तो इस तरह के वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई करेंगे। ये रहा था दोस्तों आप लोग का अप्लीकेशन फॉर्म, इस फॉर्म को जो आप लोगों को भरना है, फॉर्म भरने के बाद सो जो है आप लोगों को भेज देना है। तो कहाँ भेजना है सो चलिए इसका एड्रेस हम आपको पूरा डिटेल में दिखा देते हैं दोस्तों। तो देखिए सो यहाँ पर जो है पूरा एड्रेस दिया हुआ है डिटेल में, देख सकते हैं। देखिए 18 तारीख जो है इसका लास्ट डेट है। ठीक है, देखिए निबंधित डाक के माध्यम से देखिए जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान देवघर जो है आपको सेंड करना है। ठीक है, तो देखिए सो यहाँ पर जो वैकेंसी निकल कर आया है, जो कि JPSC की वेबसाइट में प्रकाशित किया गया है, यहाँ पर देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं देखिए सो यहाँ पर जो आप लोग का प्रोफेसर के लिए यहाँ पर जो फॉर्म भराएगा, देख लीजिए सो कब से जो है आप लोग का फॉर्म भराएगा, और यहाँ पर मतलब क्या आप लोग का जो है फी लगेगा, ये भी सारा चीज़ हम आपको डेट यहाँ पर जो डिटेल में बता देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 19 तारीख से देखिए आप लोग का फॉर्म भरा रहा है, जो कि 8 फरवरी तक भर सकते हैं, लास्ट डेट 8 फरवरी तक है। 9 तारीख देखिए पेमेंट करने का है, और 18 तारीख देखिए हार्ड कॉपी जमा करने का डेट है। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं इस वैकेंसी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है, देखिए झारखंड स्वास्थ्य एवं चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत जो है राज्य में चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक पदों पर जो है सीधी नियुक्ति संबंधित यहाँ पर जो है सूचना दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी है, यहाँ पर फूड एनालिस्ट के पद के लिए यहाँ पर बहाली है, जैसे कि आप देख रहे हैं खाद विश्लेषक जिसको हम लोग बोलेंगे के पद पर नियुक्ति हेतु यहाँ पर जो है संबंधित यहाँ पर आवश्यक सूचना निकाला गया है। देखिए यहाँ पर जो फॉर्म भराने की जो तिथि है दोस्तों 22 तारीख से है, और देखिए 13 फरवरी तक भर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन जो है फॉर्म लास्ट है 13 फरवरी तक। देखिए अप्लीकेशन फी जमा करने का 14 फरवरी तक है, हार्ड कॉपी जमा करने का देखिए 24 तारीख तक है। तो इस तरह से आप लोगों को लास्ट डेट दिया हुआ है, जो कि दोस्तों इसका ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा। इसका जो वेबसाइट है JPSC.gov.in के माध्यम से जो इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए सो नेक्स्ट वैकेंसी जो आप लोगों का है टाटा कम्युनिकेशन की तरफ से वैकेंसी, जो कि यहाँ पर दोस्तों इंजीनियर पोस्ट पर बहाली है। दोस्तों आप लोग दोस्तों गूगल में सर्च कीजिएगा टाटा कम्युनिकेशन, यहाँ पर देखिए सो इसका जो है डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर करियर में आप लोग को देखिए सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद सो आप लोग डायरेक्ट नीचे आइएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे कि
लिखा हुआ देखिए सर्च जॉब, ये सर्च जॉब में आप लोगों को ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे वैकेंसी जो है आप लोग का आया है, ठीक है। देख सकते हैं मैनेजर प्लेटफॉर्म प्लानिंग डिजाइन के लिए, देखिए लेकिन जॉब लोकेशन दोस्तों अलग अलग जगह पर है। 13 जनवरी को देखिए ये डेट की पोस्ट डेट है, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और यहाँ पर देखिए कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव टेलीकॉम नेटवर्क ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए देखिए यहाँ पर चेन्नई इंडिया आप लोग का लोकेशन है। 13 तारीख को ही देखिए वैकेंसी निकाला है। अलग 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 बहुत सारे यहाँ पर वैकेंसी है दोस्तों, तो अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले कोई एक पोस्ट के लिए हम अप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, चलिए कस्टमर सर्विस में आप लोग क्लिक करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो देखिए अप्लाई नाउ पर यहाँ पर आप लोगों को देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल फ्रेशर वाले जो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो है आप लोगों का देखिए इसमें जो है दोस्तों 4 से 8 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन दोस्तों और भी बहुत सारे पोस्ट है जिसमें जो बिल्कुल फ्रेशर वाले अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग पहले वाला देखिए मैनेजर प्लेटफॉर्म के लिए देखते हैं। इसमें दोस्तों जो आप लोग को जैसे कि हम देखे थे आप लोग का एक्सपीरियंस की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें भी देखिए 4 से 8 साल रखा गया है। तो और भी देखते हैं दोस्तों, और भी कई सारे पोस्ट देखे थे हालांकि। तो देखिए दोस्तों ये पोस्ट में बात करें कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए, जो कि हम देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए 0 से 4 साल का एक्सपीरियंस, यानी बिल्कुल फ्रेशर वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जरूर इस PDF को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, जो कि हम आपको पूरा डिटेल में समझा दिए। देखिए अप्लाई ना पर आप क्लिक कीजिएगा, अप्लाई ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आप लोग जो है लैपटॉप से ओपन कीजिएगा दोस्तों, तो सही चीज़ आप लोग का जो ओपन होगा, अच्छे तरीके से फॉर्म भर पाइएगा, ठीक है। तो इस तरह करके दोस्तों देखिए अपना यहाँ पर देख सकते हैं जो न्यू यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड नहीं किए हैं, तो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट आप लोग को करना है, क्रिएट करना है, उसके बाद उसमें पर लॉगिन करके जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सब वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का धन्यवाद। जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें सो लेटेस्ट अपडेट के लिए, और एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो के साथ। धन्यवाद।